नमस्ते वनकम गाइस। रिसेंटली मैं गई थी टीम आउटिंग। वेन्यू जो था गोल्डन सन बीच रिजॉर्ट में था। अभी मैं जा रही हूँ रिजॉर्ट के तरफ जो है ECR के साइड महाबलीपुरम में। ये जो है ECR साइड का रोड है जो कि महाबलीपुरम से होकर पांडिचेरी को कनेक्ट करता है। ECR रोड में पहुंचने के बाद रास्ते में बीच दिख जाएगा और बहुत सारा रिजॉर्ट भी देखने को मिल जाएगा इस रोड में। हम सब रास्ते में थोड़ी सी स्नैक्स करने के लिए रुक गए थे यहाँ पर। सब अभी स्नैक्स कर रहे हैं। इस रोड में बीच को एक्सेस करने वाले बहुत सारे रिजॉर्ट मिल जाएंगे वो जो कि है बाएं की तरफ। हम यहाँ सब स्नैक्स कर रहे थे। उसके बाद मेरी वाटरमेलन जूस आ गई थी जो कि उसको ख़त्म करने के बाद हम अभी रिजॉर्ट के तरफ जा रहे हैं। ये गोल्डन सन बीच रिजॉर्ट का एंट्री और मेन गेट है जो कि अभी हम एंटर कर रहे हैं। मेन गेट के सामने बहुत ही अच्छा सा एक गार्डन था जो कि बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से वो सजाए थे। अभी हम एंटर कर रहे हैं रिजॉर्ट के अंदर जो कि बहुत ही पेड़ पौधा वो हरा भरा दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग के तरफ। हम अभी पार्किंग में पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम अभी जाएंगे रिसेप्शन के तरफ। अभी सब कार से नीचे उतर कर अभी ग्रुप फोटो सब ले रहे हैं। अभी हम पार्किंग से होकर अभी जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ जो कि मेन एंट्रेंस है इस रिजॉर्ट का। उसी तरफ अभी हम जा रहे हैं। कुछ रूम एंट्रेंस से पहले है जो कि ये वीडियो में देख रहा है। इसका जो रिसेप्शन का एंट्रेंस था कुछ इस तरह का था। ये जो है इसका वेटिंग हॉल है जो कि हम कुछ देर बैठ सकते हैं वो एक्सेस देने तक। चेक इन का काम ख़त्म होने के बाद हम अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल के तरफ जो कि रिसेप्शन के होकर यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है जो कि स्नैक्स खरीद सकते हैं। और अभी हम स्विमिंग पूल के तरफ जा रहे हैं। वो सामने से वो जो दिख रहा है वो है कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा सा जो कि लंच भी होता है और वेलकम ड्रिंक भी वहीं पर देते हैं।
अभी हम आए हैं वेलकम ड्रिंक के लिए, जो कि इस कॉन्फ्रेंस रूम में है। इस तरफ एक कॉन्फ्रेंस रूम है और एक उसको आटा झोकर और एक कॉन्फ्रेंस रूम है पीछे के तरफ। वेलकम ड्रिंक में लेमन वाटर दिए थे, उसके बाद हम स्विमिंग पूल के लिए आए थे। इसके जो पैकेज है आउटसाइडर के लिए, वेलकम ड्रिंक है, स्विमिंग पूल एक्सेस है, लंच है, स्नैक्स है, पर पर्सन के हिसाब से अराउंड 1500 to 1700 आ जाता है यहाँ पे। और दिन भर मस्ती कर सकते हैं वो स्विमिंग पूल में। और यहाँ पे जो लंच है वो था अनलिमिटेड लंच था। मैं अभी जा रही हूँ बीच के तरफ, जो कि यहाँ से डायरेक्ट स्विमिंग पूल से बीच अराउंड 50 meters का था। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो भी ले सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो वो भी एंजॉय कर सकते हैं। ये एक बाएं की तरफ स्मॉल सा चिल्ड्रन के लिए स्लाइडर है और वो राउंड वगैरह है, और बीच के साइड में और एक स्विंग है। इस झूला के साथ बहुत अच्छा अच्छा फोटोज़ वीडियोस आ रहा था। और एक उस तरफ एक हाउस टाइप का था, हॉल टाइप का, वो नाइट के लिए था। वो नाइट में वहाँ पे थोड़ा सा बीच का व्यू ले सकते हैं। मैं अभी आई हूँ जो कि बीच के तरफ, अभी थोड़ा सा वीडियोस फ़ोटोज़ ले रही हूँ, और उसके जो झूला है उसके साथ भी थोड़ा सा वीडियोस ले रही हूँ। इस रिज़ॉर्ट का जो व्यू था बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, और ये जो झूला था बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस रिज़ॉर्ट में एक दो वाटर फाउंटेन है, स्विमिंग पूल है। इस रिज़ॉर्ट में बीच के तरफ एक नेट सा था, वो वहाँ पे बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, और यहाँ पे प्लेइंग के लिए बहुत अच्छा सा प्लेग्राउंड भी है। अभी हम सब लंच के लिए आए थे यहाँ पे। यहाँ पे इस तरफ एक गार्डन है, उस तरफ बच्चे सब खेल रहे थे। इस ट्री में एक बेड स्विंग लगी थी, जो कि यहाँ पे आकर बैठ सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, तो आउटसाइडर के लिए ये भी अच्छा था रेस्ट करने के लिए। एंड ये दूसरा वाला जो है कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो अभी हम इस रिजॉर्ट से जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।